जिला जिला के जिला तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते, एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। आज के छड़ी में अशोक कुमार जी और हमारे सभी जिलाध्यक्ष सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, जैसा की कल हाईकोर्ट से स्पष्ट कर दिया है और एक एक को जो बात बड़ी बड़ी छोड़ के मैं आता हूँ, बात में दिल्ली के अंदर नहीं है, कितने इतने भ्रष्टाचार नहीं किया हूँ और लग रहा हुआ है नैतिकता बची है तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, जेल के नियम अनुमति देते नहीं है, और यदि अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र नहीं देंगे तो कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करनी होती है, अनेक सीक्रेट फाइल्स को देखना होता है, और जेल के अंदर ना सीक्रेट फाइल्स जा सकती है, ना जेल के अंदर कैबिनेट की बैठक हो सकती है, और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब बगैर समय गवाए तुरंत उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने जो नई शराब नीति लागू की उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, और उनको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं से भी उनको अभी तक राहत नहीं मिली है। जनता पार्टी आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया, और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते, एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास इनफ मटेरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स हैं और जो अप्रूवर है उनको अगर जो बेल दी जाती है वो ज्यूडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक
क्रिया होती है, उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है, नैतिकता की सारी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। संजय देव जी से कि संजय जी अपनी बात आज की कड़ी में अशोक गोयल जी और हमारे सभी जिलाध्यक्ष सम्मानित कार्यकर्ता बंधु जैसा कि कल हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और एक एक को सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया। Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.